सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है कि कहीं भी अगर एक दो बच्चे भी कंप्लेन करते हैं कि पेट में दर्द है कुछ है, तुरंत उनको ले जाने की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, पीएचसी में प्रथम उपचार की व्यवस्था, ये कोऑर्डिनेशन भी हमें और सुधार करने की आवश्यकता है। ये हम लोगों ने सीखा है इस कांड से। और एक जो हम लोगों ने निर्देश में भी डाला है कि जैसे कि इस मामला में अब तक जो बातें आ रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि खाने की तेल की जगह कीटनाशक का उपयोग किया गया या खाने की तेल में ही कीटनाशक मिला था, क्योंकि इतना ज्यादा, जैसा मैंने कहा, ये कोई फूड ऑर्डिनरी फूड पॉइजनिंग का केस होता है तो पेट दर्द होता है, बुखार होता है, दस्त होता है, उल्टी होती है, लेकिन इस तरह से इंस्टेंट डेथ का, इसका मतलब कि जहर की मात्रा ज्यादा थी, इसका मतलब या तो फिर पूरा के पूरा कीटनाशक ही डाल दिया गया है उसमें। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि एक्सीडेंटली हुआ है कि क्यों हुआ है, इस चीज को तो इन्वेस्टिगेशन में बात आएगी, लेकिन ये संधारण और भंडारण की बात जो आई है, इसी कारण से आम सूचना में हम लोगों ने पूरा दोहरा के इस बात को कहा है कि हर हालत में आप इसको कहीं भी मिक्सिंग नहीं हो, इसका खाद्यान्न की व्यवस्था के साथ घर घर में जो अपना कीटनाशक वगैरह रखते हैं, अब विद्यालय में किस प्रकार से कीटनाशक की बोतल आई, यह भी एक बात है जिसपे इन्वेस्टिगेशन फर्दर होगा। लास्ट पॉइंट जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, बाकी पॉइंट्स और फॉलोअप की बिंदु तो प्रेस नोट में डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन एक प्रकार से इस पूरे कांड से जो सीखने का मौका हम लोगों को मिला है, देखिए मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था बिहार के 70,260 में से अधिकांश विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। अभी टोटल एनजीओ का कितना, गैर सरकारी संगठन द्वारा कुल मिलाकर के 3,500 विद्यालयों में गैर सरकारी संगठनों द्वारा मध्यान्ह का भोजन 3,500, तो 70,260 में से लगभग 67,000 विद्यालय शिक्षा समितियों के माध्यम से ही भोजन की व्यवस्था होती है। विद्यालय शिक्षा समिति का जो अभी ढांचा हमारा है, उसके अध्यक्षता उस वार्ड के निर्वाचित पदाधिकारी जो हैं, वो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं और विद्यालय शिक्षा समिति में हेडमास्टर भी होते हैं। विद्यालय शिक्षा समिति में जो बच्चे उस विद्यालय में पढ़ते हैं, अभिभावक की भी सदस्यता होती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस कांड से एक बात और जो हम लोगों को सीखने को लगा, और पहले से इस पर हम लोग काम कर रहे थे, कि जो विद्यालय शिक्षा समिति हमारी है, क्या उसकी सदस्यता को और मजबूत करने की आवश्यकता है, और इसी बिंदु पे विभाग पहले से काम कर रही थी। विभाग बहुत जल्दी, विधि विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर चुका है विभाग ने, कि विद्यालय शिक्षा समिति को और सुदृढ़ करने के संदर्भ में क्या हम गांव में कार्यरत यदि कोई महिलाओं की स्वयंसेवी समूह है तो उसकी सदस्य को उसका सदस्य बनाएं, क्या किसी आंगनवाड़ी सेविका अगर गांव में है उसको बनाएं, कोई आशा बहन अगर गांव में है उसको बनाएं। कहने का मतलब कि महिला सदस्य जो वोकल भी हों, जो अपनी बात को समिति के समक्ष मजबूती से रख सके, तो ऐसी कोई आशा आंगनवाड़ी सेविका जो गांव में रहती है, जिनके बच्चे भी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी सदस्यता विद्यालय समिति में जोड़ने हेतु प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है, जिसका विधि विभाग द्वारा भी अनुमोदन हुआ है और